ना पुलाव ना बिरयानी, 10 मिनट में कुकर में बनाए साउथ इंडिया की फेमस डिश टोमेटो राइस। तो चलिए मुंह में अगर जिसके भी पानी नहीं आएगा ना, वो देखकर उसके मुंह में पानी आने लगेगा। तो चलिए बनाते हैं, यम्मी टेस्टी और ये टिफ़िन फ्रेंडली भी है। सुबह मॉर्निंग में किसी को भी जल्दी जाना है, बच्चे हों या बड़े, फटाफट बना करके रख दीजिए और बढ़िया से इंजॉय करें। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे बनता है। बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे आप लोगों को, जिससे कि दिक्कत नहीं आएगी, बिगनर भी बना लेंगे आसानी से। तो ये देख सकते हैं हमने एक बाउल ले लिया है राइस, जो कि आप देख सकते हैं ये बासमती राइस है और इसे कहीं कहीं पर सेला का चावल भी बोला जाता है। तो ये एक बाउल है और ये दो मीडियम साइज़ के हमने प्याज कट कर लिए हैं, दो हरी मिर्च जो कि एक रेड है और एक ग्रीन है, दो मीडियम साइज़ के टमाटर हमने कट कर लिए हैं जो कि रफली कट किए हुए हैं, तो एक स्पून ज़ीरा, एक टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का, हरी इलायची और लौंग और दो तेज़पत्ता। तो ये सारे मसाले हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम हो गई, गैस ख़त्म हो गई है, तो हम दूसरे किचन में बनाएंगे जाके, वहाँ पर हो सकता है आपको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इस वजह से हम पहले ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये ले लिया हमने राइस और इनको हम अच्छे से वॉश करेंगे, भिगोना नहीं है, बिल्कुल हम भिगोएंगे नहीं इनको, सिर्फ वॉश करेंगे जब हम बनाने चलते हैं इस रेसिपी को। बस वॉश करके रख लेंगे, जब तक हमारे मसाले भुनेंगे उतनी देर इसको हमें भिगोना है, एक्स्ट्रा हमें नहीं भिगोना है, क्योंकि अगर आप आधे घंटे या 15 मिनट पहले एक्स्ट्रा भिगो देंगे तो राइस जो होते हैं हमारे टूट जाएंगे, नरम हो जाएंगे और टूट जाएंगे, इस वजह से हमें एकदम से नहीं भिगोना है। तो चलिए इस तरह से हम अच्छे से मसल मसल कर धुलते हैं, जिससे कि ऊपर की जो डस्ट है वो हमारी छूट जाए अच्छे से। देखिए कितना गंदा पानी हो गया है, तो इसको 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। तो देखिए वॉश कर लिया हमने अच्छे से, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, तो इतना पानी डालेंगे कि चावल हमारे अच्छे से डीप हो जाएं। तो जब तक हमारे मसाले भुनेंगे, 5 मिनट लगेगा मसाले भुनने में, तो 5 मिनट के लिए ही हम चावल को भिगो के रख देंगे। तो चलिए मसाले दिखा देते हैं आपको। हल्दी पाउडर 1 स्पून, धनिया पाउडर 1 स्पून और ऐड करेंगे लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से तीखा कर सकते हैं। हींग 4 से 5 पिंच, अगर आपकी अच्छी वाली हींग है तो आप 1 ही 2 पिंच डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। इस असल में जो आती है चूरा वाली हींग, उसमें आटा वगैरह मिला होता है ना, उस वजह से उसकी इसमें कम आती है। इस वजह से देखिए हम इस तरह से पेस्ट बना लेंगे पानी ऐड करके, जिससे कि हमारे मसाले ऑयल में जाते ही जलेंगे नहीं। तो देखिए ये हमने रख दिया है, कुकर अपना रखा है गैस की फ्लेम पर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी, वैसे हमारी समझ से वीडियो में दिक्कत नहीं आ रही है दिखने में, मगर आप लोगों को अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो दिखने में तो उसके लिए सॉरी गाइस। और ये देखिए हमने डाल दिया 5 से 6 स्पून ऑयल और उसमें 1 स्पून डाल दिया घी, जिससे कि इसकी बहुत अच्छे से खुशबू आएगी। और ये खड़े मसाले जितने हमने लिए थे वो ऐड करेंगे और इनको हम भुनने देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से हम भुनने देंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा, तो अच्छे से डालेंगे, अच्छे से भुन जाएगा ज़ीरा भी। और अब इसमें डाल देंगे प्याज, जो कि अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे प्याज इसमें जो राइस में प्याज है इसका टेस्ट एकदम से बहुत अच्छे से उबार के लाता है, और ये हमारे जो हम पुलाव मतलब जो हम राइस बना रहे हैं बहुत टेस्टी और कलर में बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम देखिए भून लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा देखिए पास से हम दिखा देते हैं आपको, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर अपने जो हमने कट करके रखे हुए हैं, तो इन टमाटरों को हम इसमें ऐड कर देंगे और पकाएंगे। तो इसमें देखिएगा गाइस थोड़ा सा हम ऐड करेंगे नमक, जिससे कि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं। बिल्कुल थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम जब चावल इसमें ऐड करेंगे, जब चावल डालेंगे तो उसमें उसके हिसाब से नमक ऐड करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जिससे कि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से मैसी मैसी हो गए हैं, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी तरह से मैसी कर लेते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जो पेस्ट बना करके रखा था मसाले का, वही हम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से पेस्ट बना करके, एक तो इसकी जो खुशबू है, जो एक होता है ना मसालों में वो फ्लेवर आ जाता है उभर कर, तो इस वजह से इसको भिगो के ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात है,
कि ड्राई जो मसाले होते हैं ना तेल के संपर्क में आने से जल्दी से जल जाते हैं, और जो भीगे हुए मसाले होते हैं वो तेल के संपर्क में आने से जलते कम हैं। तो इस तरह से अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से खुशबू आने लगी है, किचन हमारा महक गया है बिल्कुल। तो अब इसमें हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी, मसल कर ऐड करेंगे जिससे कि ये अच्छे से इसमें खुशबू और अच्छे से आने लगे। तो इसको इस तरह से हम ऐड कर देंगे, भून लेंगे थोड़ा सा और कस्तूरी मेथी ऐड करने के बाद में। और अब देखिए गाइस, ये बच्चों को सुबह सुबह बनाकर नाश्ते में दे दीजिए ना, एक तो आपकी हेल्प हो जाएगी कि बहुत जल्दी बनेगा, और दूसरी बात है बच्चों को ये पसंद बहुत आने वाला है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो चावल को भिगो के रखा था अब हम पानी देंगे निकाल। तो लगभग 5 मिनट लगा हमारा मसाला भुनने में, और बस देखिए वाइट वाइट चावल दिखने लगे अच्छे से। तो अब इसे हम मिक्स करेंगे ऐड करके। देखिए 1 मिनट के लिए इसे हम मसालों के साथ मिक्स करेंगे अच्छे से, ये समझ सकते हैं आप कि हल्का सा फ्राई करेंगे। और अगर आप भिगो के चावल रख देते हैं पहले से ही तो ये इस तरह से चलाने से ना टूट जाएंगे। तो देखिए देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं अभी से राइस हमारे। तो चलिए अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो आप देख सकते हैं जिस बाउल से हमने राइस लिया था उसी बाउल से हम ले लेंगे पानी। तो हमने एक बाउल राइस लिया हुआ है तो इसमें हम 1.5 बाउल पानी ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप घर के कोई भी, देखिए हम नापने वाले बर्तन नहीं यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि घर में जनरली ये बर्तन सबके यहाँ होते हैं, नापने वाला आप लोगों के यहाँ नहीं होगा, तो इस वजह से हम ये साधारण से बर्तन यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे राइस के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऊपर है, इस तरह से भी कर लेंगे, अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये एकदम से मैशी गल जाएंगे। इस वजह से देखिए उसमें इसमें हम 1 स्पून से 1.5 स्पून डाल देंगे घी, जिससे कि इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर और इसमें जो ग्लॉसी बनाएगा राइस में हमारा वो बहुत टेस्टी हुआ। देखिए अब हमने हरी मिर्च जो कट करके रखी थी लंबी लंबी उसको हम ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स कर देंगे हम इसे अब, और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, क्योंकि अभी हमने नमक नहीं ऐड किया हुआ है। टमाटर में नमक ऐड किया था वो टमाटर के हिसाब से था, अब हम राइस के हिसाब से या टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। नमक ध्यान से ऐड करें क्योंकि नमक 2 बार हमने ऐड किया हुआ है, इस वजह से ज़्यादा ना हो जाए, कम रहेगा चलेगा मगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए नमक। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे इसमें लगाएंगे लिड और 1 सीटी आने तक पकाएंगे। बस 1 सीटी आ जाए और ज़्यादा नहीं हम लेंगे सीटियाँ, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो ये गल जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 सीटी लेंगे और इसकी फ्लेम को अपने आप निकलने देंगे, जो इसमें एयर होती है वो अपने आप निकले तभी हमें इसे खोलना है। तो देख सकते हैं ये देखिए अपने आप निकल गई सीटी, तो अब हम खोल कर देखते हैं गाइस। देख सकते हैं देख कर ही मुँह में आ रहा है ना पानी, इतना टेस्टी इतना यम्मी लगता है हमारे घर में, तो सब लोगों को बहुत पसंद आया ये टोमेटो राइस, बहुत 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 टेस्टी लगा खाने में। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए गाइस एकदम से राइस जो बिल्कुल खिला खिला सा दिख के आया है। अगर आप हमारे इस रेशियो से बनाएंगे ना तो आपका भी टोमेटो राइस बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनेगा। तो इसको साधारण सा मिक्स करेंगे और करेंगे सर्व। तो देख सकते हैं आप एकदम दाना दाना इसका खिला खिला दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है खा के। तो हमारे बच्चे बिल्कुल खुश हो गए हैं, इतना टेस्टी लगा। तो चलिए इसे हम करते हैं सर्व। तो आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, फिलहाल तो ये ऐसे ही हमारे घर में पसंद करे जाते हैं। हमारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही खाते हैं, उनको इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देख सकते हैं आप, पास से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि राइस का दाना दाना खिला खिला है, एकदम टेस्टी और इतना यम्मी है। तो कितनी यम्मी रेसिपी होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। और इस समय बहुत भयंकर गर्मी हो रही है यहाँ पर यूपी में, तो सभी लोग यही चाहते हैं कि ऐसी कोई रेसिपी मिल जाए हमको ना, कि जो 5 मिनट में बने, बहुत टाइम ना लगे, बहुत झंझट भी ना करना पड़े। तो ये बहुत टेस्टी बहुत हेल्पफुल है रेसिपी। तो अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तभी हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइस एक बात और प्लीज़, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ एक वीडियो देख करके लाइक सब्सक्राइब मत किया करें चैनल। आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं फिर दूसरी वीडियोस नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से व्यूज़ पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तभी लाइक सब्सक्राइब करें।
तो आप लोगों से बस इतनी सी ही विनती है कि अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तभी लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। बाय बाय।